बता देते हैं, ये पॉलीकैब का हमारा स्पॉट लाइट है 2 वाट का, और अपना हाईलाइट बना रहे हैं। तो हाईलाइट के लिए देखिए गाइस, यहाँ पर स्पॉट लाइट लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, सामने वाले ने बोले यहाँ पर नॉर्मल लाइट लगाना है कोई सा भी, तो बोले अब स्पॉट लाइट लगाना है। तो प्लानिंग हो गया स्पॉट लाइट का। और आपको बता देते हैं, यहाँ पर अपने पास ड्राइवर रखने के लिए जगह नहीं है अंदर पे, ठीक है। तो ये ड्राइवर रखने के लिए अंदर पे जगह नहीं है, तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे आप गाइस। फाइनली हम लोग का देख सकते हो, यहाँ पर हमारा स्पॉट लाइट रेडी हो गया। हम स्टार्टिंग में आपको ये बताए थे वहाँ पर वायरिंग की। हेलो दोस्तों, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों देंगे, यहाँ पर देखिए ये डग एरिया है, ठीक है। तो डग एरिया में अपना हाईलाइट बना रहे हैं। तो हाईलाइट के लिए देखिए गाइस, यहाँ पर स्पॉट लाइट लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, सामने वाले ने बोले यहाँ पर नॉर्मल लाइट लगाना है कोई सा भी, तो बोले अब स्पॉट लाइट लगाना है। तो प्लानिंग हो गया स्पॉट लाइट का। और आपको बता देते हैं, यहाँ पर अपने पास ड्राइवर रखने के लिए जगह नहीं है अंदर पे, ठीक है। तो ये ड्राइवर रखने के लिए अंदर पे जगह नहीं है, तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे आपको बता देते हैं। ये हमारा 2 वाट का स्पॉट लाइट है, और आप देख सकते हो ये पॉलीकैब का स्पॉट लाइट है 2 वाट का। ये ड्राइवर का कवर भी बाहर कर दिए, उसके बाद अपने पास जगह नहीं है। और हम लोग यहाँ पर माइनस प्लस को ऐसा ही वायर नहीं खींचे, ग्रीन कलर का 1 mm का वायर खींचे यहाँ से हमारा बोर्ड तक, ठीक है। तो 2 वायर लेके आए यहाँ पॉइंट में। तो गाइज अब ही हम लोग क्या करने वाले हैं आपको बता देते हैं प्लान में। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ड्राइवर को बाहर करेंगे, ठीक है। ड्राइवर को बाहर करेंगे, ये 3 ड्राइवर रहेगा, 1 2 3, 3 ड्राइवर जो हम लोग लगाएंगे बोर्ड पे। बोर्ड पे ड्राइवर को लगाएंगे, और यहाँ से हमारा पेलर की कनेक्शन में हम लोग देंगे सप्लाई को। तो गाइस आप सोच रहे होंगे 3 ड्राइवर लगाएंगे और 3 LED कैसे जलेगा एक वायर पे, ठीक है। तो अपने को चलाना रहता है, इसमें 2 2 वायर जोड़ना है, ठीक है। ड्राइवर में 2 2 वायर जोड़ना है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ड्राइवर को बोर्ड के अंदर डालेंगे, और उसके बाद हम लोग 3 LED जो है 2 वाट का, यहाँ पर हम लोग इसमें लगाने वाले 3 LED। तो ड्राइवर को बोर्ड के अंदर कैसे डालने और कैसे कनेक्शन करने आज की वीडियो में पूरे डिटेल जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो आपको बता दें, ये ग्रीन कलर का वायर है। पहले तो हम लोग इसका माइनस प्लस पता कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको बाहर कर दिए PVC, इसको छिल के, और उसके बाद माइनस प्लस पता करेंगे, और उसके बाद आपको बता दें किस तरीके से ये काम करना है। और गाइज आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है 2 पॉइंट और है ऊपर में, तो उसमें ओपन डाउन वॉल लाइट लगाने वाले हैं। अब वीडियो पे बने रहे किस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट करेंगे ये डग एरिया को। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा टाइल्स भी सब कुछ लगा हुआ है, बस बच गया था हमारा स्पॉट लाइट का। यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का वायर है, ठीक है, 1 mm का हम लोग फेस पे डालें, और अपने को माइनस प्लस पता करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल टेस्टर पे अपने को शो कर रहा है 220 लास्ट में, और इंडिकेटर जल रहा है। तो ये देखिए हमारा प्लस पॉइंट। और आपको बता देते हैं, इसका बिना PVC बाहर करें हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा वायर फेस है हमारा। तो गाइज आपको बताते हैं किस तरीके से है। देखिए वहाँ पर अपने को फेस पे रखना है, और ये जो है 12 वोल्ट आएगा यहाँ पर। आपको बता देते हैं, हमारा लालटू पकड़ नहीं पा रहा है, आपको बताते हैं किस तरीके से करना है। रुक जा रुक जा। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आ गया, यहाँ पर PVC में रखने के बाद। यहाँ पर देखिए दूसरा वाले में कर रहे हैं तो 12 वोल्ट नहीं आ रहा, तो ये माइनस है हमारा, ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस प्लस में अपने को नंबर का माइनस प्लस पता कर दें। तो देखिए ये वाला हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, और ये वाला वायर जो है पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये हमारा माइनस है और उधर प्लस, तो ये हमारा फेस है, ठीक है, और उधर इधर माइनस। तो ये माइनस प्लस तो हम लोग बना दिए इसको फेस डाल के। उसके बाद अपने को बताते हैं यहाँ पर ड्राइवर कैसे लगाना है, ठीक है। तो बता देते हैं, ये पॉलीकैब का हमारा स्पॉट लाइट है 2 वाट का, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा 3 पॉइंट है, उसमें हम लोग आज की वीडियो में पूरा लगाने वाले हैं, और आपको बताएंगे किस तरीके से इसको लगाना है। आप सोच रहे होंगे ये तो माइनस प्लस 2 वायर जोड़ना है लग जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं है भाई। इसमें हम लोग न्यू अलग टेक्निक करने वाले हैं, क्यों आपको बताते हैं। यहाँ पर हम लोग ड्राइवर रखेंगे बोर्ड पर, और हम लोग खाली LED लाइट को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 3 को बाहर कर लेते हैं हमारे स्पॉट लाइट को, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ड्राइवर एक साथ है, मेल फीमेल कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बीच से इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद इसको LED को बाहर कर देंगे, और ड्राइवर को बाहर रखेंगे अलग से। तो इसको कटिंग कर देना लालटू, तो इस तरीके से कटिंग कर देना है अपना। ड्राइवर LED को बाहर कर लेना है, और इसको जो है देखिए हम लोग एक पॉइंट भी काट दिए यहाँ पर, और ये दूसरा वाला भी कटिंग हो गया, और एक और LED बचा हुआ है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा 3 LED
कटिंग हो गया। और आपको बता देते हैं इसका साइज़ जो है, आप देखिए इस साइज का है हमारा 35 mm, हम लोग इसमें होल किए हैं तो एक 35 mm में आराम से ये लग जाता है बीड में, ठीक है। और आपको बताते हैं इसका ड्राइवर है, ड्राइवर लोग को 3 ड्राइवर का माइनस प्लस को पैरेलल में करना है, और हमारा जो एसी करंट है उसको भी पैरेलल में कर देना है। इसको सीरीज करना नहीं है, इसका एम्पियर नहीं बढ़ाना अपने को, डायरेक्ट जो इसका वोल्ट बढ़ाना नहीं है। इसका एम्पियर तो हमारा जो है ये 3 वाट नहीं है, 2 वाट का है, तो तीनों का हमारा जो है सेम वोल्टेज सप्लाई जाएगा और एम्पियर भी यहाँ पर जाएगा। 3 हमारे पास ड्राइवर है, तो इसका कैसे जोड़ना है आपको बता देते हैं। 3 माइनस माइनस करना है और ये 3 को प्लस प्लस करना है, आप देख सकते हो एक साथ, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर अपने को जो है यहाँ से एम्पियर जो है जितना हमारा ड्राइवर सीकर रहा है उतना ही जाएगा, और वोल्टेज जो है सेम मिलेगा अपने को, ठीक है। जो 12 वोल्ट रहेगा वो उतना ही मिलेगा, इसको 24 वोल्ट नहीं बनाने वाले हम लोग। तो इसको जो है खाली इसका एम्पियर बढ़ जाएगा, ठीक है, एम्पियर एक साथ बढ़ेगा तो 3 LED में डिवाइड हो जाएगा, तीनों का आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन पैरेलल कनेक्शन करके हम लोग जैसे कबर्ड हो गया वहाँ पर ड्राइवर नहीं रख सकते, तो ड्राइवर रखने का जगह बना के इस तरीके से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। बस अब ध्यान देना है यहाँ का वायर को पतला डालना, 1 mm से ऊपर मत डालना, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस डालने की कोशिश ज़्यादा करना। तो हम लोग यहाँ पर सोचे थे ड्राइवर के अंदर डालने का प्लान किए थे, तो यहाँ पर नहीं हुआ, तो हम इस तरीके से प्लान बना रहे हैं ताकि अपने को ये LED अच्छे से वर्क करे और ख़राब नहीं होना, ठीक है। तो फाइनली ये वायर ज्वाइन कर दिए, इसके बाद हम लोग AC करंट है यहाँ पर माइनस प्लस इसका भी है, इसको भी जोड़ेंगे और एक स्विच बोर्ड पर लगा के टेस्टिंग करते हैं। और ये उसके बाद हम लोग यहाँ पर LED स्पॉट लाइट को लगाना है, ठीक है। पहले हम लोग देखिए यहाँ पर ड्राइवर को अलग कर दिया, इसका जो है इसमें जो है एक PVC का ये था, ठीक है, इसको बाहर कर दिए, ठीक है। इस तरीके से LED को बाहर करके कनेक्शन आपको बताते हैं। और इसके बाद ड्राइवर देखिए, ड्राइवर को किस तरीके से व्यवस्था की यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट को करना है, अभी जोड़ रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर ज्वाइन कैसे करना है। अभी एक साथ अपने को ऑन करना है, डायरेक्ट ऑन नहीं करना है एक लाइट जला के, क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पर ड्राइवर लगाएंगे, उसके बाद माइनस प्लस जोड़ते जाएंगे और LED स्ट्रिप ये जो है जो LED बल्ब है उसको लगाते जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का वायर और ये ड्राइवर का माइनस प्लस। और ये आप सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस प्लस कैसे पता चला आपको, तो यहाँ पर ब्लैक कलर का माइनस बना दिए देखिए, और ये प्लस रहेगा। और ये जो है सेम पैरेलल कनेक्शन में कर देना है और इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और इधर से हम लोग 2 वायर ले लिए इनपुट के लिए, जो पावर सप्लाई देंगे 220। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर अपना ड्राइवर का कनेक्शन हो गया आउटपुट का, और इनपुट का कनेक्शन खाली न्यूट्रल अभी दिए। और पहले उसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पर अपने को जो है स्पॉट लाइट का भी जोड़ना है, ठीक है, जो हमारा LED बल्ब है जो स्पॉट लाइट का, उसको जोड़ना है माइनस प्लस। आपको बताएं ब्लैक कलर का जो दिए हम लोग उसमें ब्लैक कलर का वायर डालना है और ग्रीन वाले हमारा रेड डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस प्लस करना है LED स्ट्रिप का। तो देख सकते हो यहाँ पर अपने को माइनस प्लस दोनों वायर अच्छे से जोड़ना है और इसको भी टेप लगा देना है, ठीक है। तो जैसे कि एक पैरेलल ऐसा जोड़े यहाँ पर माइनस प्लस, वहाँ भी अपने को दूसरा वाले में भी माइनस प्लस जोड़ना है, और इस तरीके से वायरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का 21 LED स्पॉट लाइट हम लोग डाल दिए यहाँ पर, और इसको वायर को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। वायर को इतना ही रखना ताकि अपने को कभी जोड़ना भी है तो कभी वायर बाहर निकाल के जोड़ भी कर सके, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बल्ब को लगा लेते हैं, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्पॉट लाइट लग गया। उसके बाद आपको बताते हैं दूसरा वाले को क्या करना, उस तरीके से अपने को फिर से इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको भी माइनस प्लस जोड़ना है सेम, जैसे कि यहाँ माइनस प्लस जोड़े ना, वहाँ पर भी माइनस प्लस जोड़ना है। तो यहाँ पर PVC बाहर कर दिए और इसमें माइनस प्लस जोड़ देते हैं दूसरे नंबर का। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर का भी वायरिंग हो गया, और इसको भी हम लोग माइनस प्लस जोड़ दिए। और उसके बाद क्या करेंगे आपको बता देते हैं, इसको जो हम लोग वायर को पॉइंट वहाँ है तीसरे नंबर पे, तो उसको पुश करके वहाँ ले लेना, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर वायर जो है अंदर चले जाएगा, और हल्का सा वायर रखना है खाली अपने को यहाँ पर कभी जॉइंट ही करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हो गया। उसके बाद इसको लाइट को कैसे लगाना है, स्पॉट लाइट को हल्का सा प्रेस करना है,
और ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। देखें तो फाइनली हम लोग का स्पॉट लाइट ये भी लग गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का बचा, ठीक है। तीसरा नंबर लगने के बाद जो है आपको बताएंगे इसको कनेक्शन देके लाइट कैसा रन हो रहा है यहाँ से। तीसरा नंबर के एलईडी को लगाने जा रहे हैं अपन, और ये लालटू है देख सकते हो, इसका प्लास नहीं अभी इसके पास, तो मुंह पे छिर रहा है वायर को, पीवीसी बाहर भी कर लिया मुंह पे। तो दोनों वायर को यहाँ पर भी माइनस प्लस जोड़ लेना है। और ये तीसरे नंबर का स्पॉट लाइट है, तीसरा नंबर का जो है स्पॉट लाइट, ये वायर हल्का सा लंबा कर दिए क्योंकि ये लास्ट स्टेप था। तो उसके बाद देखिए वायर अंदर जा रहा है हमारा, अपने पास हल्का सा जगह है यहाँ पर देखिए छोटा सा, उसमें वायर का अंदर जाने के बाद जो है स्पॉट लाइट हमारा लग पाएगा। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर का भी स्पॉट लाइट लग गया, और आप देख सकते हो पूरा तीन स्टॉप हम लोग लगाने वाले थे तीन को, तो तीनों हम लोग लगा लिए, ठीक है। और फाइनली हम लोग आते हैं वायरिंग के पास और आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे एलईडी लाइट जलेगा कि नहीं, फाइनली आपको बताते हैं, कुछ सेकेंड के बाद आपको पता चल जाएगा स्पॉट लाइट चालू होने वाला है तो उड़ने वाला है। कि यहाँ पर जस्ट वायर यहाँ पर जम्फर कर दिए, और आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमारा एलईडी लाइट अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। फाइनली हम लोग का जो ये प्रोग्राम स्पॉट लाइट रेडी हो चुका, और देखिए तीन स्पॉट लाइट लगाए थे तो ये वॉर्म वाइट कलर में है, और आपको देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और आपको बता देते हैं ये प्लान जो है किस तरीके से किया गया, आपको पता चल गया। यहाँ पर पिलर पे कनेक्शन किए तीन ड्राइवर, ऐसा ऐसा जगह में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं पहले प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद ड्राइवर रखने का जगह बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जगह हमारा इसमें हम लोग लगा नहीं पाएंगे ड्राइवर। तो आप देखे होंगे स्टार्टिंग में आपको बताएं ड्राइवर रखने के लिए अपने पास जगह नहीं था स्पॉट लाइट लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग प्लान करके यहाँ पर ग्रीन कलर का वायर को माइनस प्लस पता किए पहले, और उसके बाद ड्राइवर का यहाँ पर देखिए पिलर पे कनेक्शन कर दिए तीन ड्राइवर, और जितना भी सप्लाई है हमारा हमारा, और अच्छे तरीके से लाइट जो है वर्क हो रहा है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको जो है अंदर पे बोर्ड के अंदर डालेंगे, उसके बाद ये जो है बोर्ड पैक कर देंगे, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कहाँ पर इसका ड्राइवर लगा है और किस तरीके से ये काम हुआ है। आपको फाइनली पूरा डिटेल वीडियो पे पता चल गया किस तरीके से इसको प्लानिंग किया जाता है इस जगह, जैसे कि हमारा हाईलाइट जगह पे स्पॉट लाइट लगाना है तो पहले प्लानिंग कर लो उसके बाद जो है वायरिंग करना, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ये तरीके से आप करोगे तो हो सकता है। गाइस हम लोग चेक तो कर लें यहाँ पर ड्राइवर से हमारा स्पॉट लाइट जल रहा है, तो हम आपको बताते हैं इसको अंदर कैसे रखना है बोर्ड के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर देखिए एसी करंट जो है माइनस वाला, ठीक है, तो ये न्यूट्रल वाला पॉइंट को जम्फर मार देते हैं अच्छे से, और हम लोग जो है रेड कलर का वायर जो बनाया ना एसी करंट के लिए, जिसको हम लोग स्विच पे रखेंगे। तो गाइस एक और हमारे पास कंटेन आ गया है हमारे पास, आपको बताते हैं ये जो है डाउन लाइट बोलते हैं इसको, ओपन डाउन, तो इसके बारे में आपको जानना है तो हम डिस्कशन में लिंक डाल देंगे और इसका इंस्टॉलेशन का भी वीडियो डालने वाले हैं, आप जाके देख सकते हो। तो पहले हम लोग जो कंटेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको पहले पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट होने के बाद जो है ड्राइवर को अंदर डाल दिया जा रहा है, और आप सोच रहे होंगे ये लालटू जो है हमारा इलेक्ट्रीशियन, आप देख रहे हो एक एक वायर को हाथ से पकड़ के इसको काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं इलेक्ट्रीशियन लोग को करेंट क्यों नहीं लगता उसके बारे में आपको जानना है तो लालटू के चैनल में आरआर इलेक्ट्रिकल वर्क में चले जाइए, आपको मिल जाएगा करेंट इलेक्ट्रीशियन लोग को क्यों करेंट नहीं लगता उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला है हमारा लालटू। बना दिया लालटू वीडियो? बन गया ना वीडियो, बन गया, आप जाके जल्दी से देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन लोग को करेंट क्यों नहीं लगता उसके बारे में वीडियो बन के डला भी हुआ है। और आप जितना भी वायर देख रहे हो ये मेन लाइन है, ठीक है, तो हमारा मेन वायर फोर, और ये पॉइंट वायर है एक स्पॉट लाइट का है रेड वाला, और ये जो है ये डाउन लाइट का, हम ओपन डाउन लाइट लगाने वाले उसका पॉइंट है इसका। तो हम लोग इसका बोर्ड का वायरिंग करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे इसका जो सी ओ बी हमारा स्पॉट लाइट का सी ओ बी वाला जो छोटा सा लगाए हम लोग 2 वाट का, उसका रोशनी कैसा मिला अपना, तो अभी हल्का सा नाइट होगा। देखिए हमारा अंदर में ड्राइवर आ गया, आपको पता भी नहीं चल रहा किस तरीके से यहाँ पर ड्राइवर अंदर आ गया, और उसके बाद हम बोर्ड टाइट कर लेते हैं और आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं हमारा स्पॉट लाइट। हम लोग का बोर्ड 6 मॉडलर का लग गया, और हम स्विच ऑन करके देखते हैं किस तरीके से हमारा स्पॉट लाइट वर्क हो रहा है। और गाइस फाइनली हम लोग का देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्पॉट लाइट रेडी हो गया। हम स्टार्टिंग में आपको ये बताए थे वहाँ पर वायरिंग किए थे टेम्पररी के लिए,
तो इस तरीके से हम लोग ड्राइवर को अंदर डालेंगे 6 मॉडलर के बोर्ड पे, और यहाँ पर हमारा LED स्पोर्ट लाइट किस तरीके से वर्क हो रहा आप देख सकते हो। ये हमारा जो है ये डग एरिया है, डग एरिया में स्पोर्ट लाइट लगाने का प्लान जो है कुछ अलग था, तो ये जो है प्लानिंग हम लोग अभी के हैं। और इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट बनाया गया है देख सकते हो, जो 3 पॉइंट हमारा स्पोर्ट लाइट का, और इसका फोकस देखिए गाइस किस तरीके से हमारा अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है हमारा स्पोर्ट लाइट आप देख सकते हो। नली आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा जो स्पोर्ट लाइट किस तरीके से वर्क हो रहा है। यहाँ पर हम लोग रखने वाले बुद्धा, ठीक है। तो प्लान देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमारा वॉल लाइट 2 लगा हुआ है आप देख सकते हो। तो जितना भी हमारा यहाँ का जो ड्राइवर है आप देखें यहाँ पर बोर्ड पे लगाए थे, हम लोग दिन को किए थे, अभी नाइट को आपको टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर लुक आना चाहिए। ये हाईलाइट के लिए अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है आप देख सकते हो। और यहाँ पर रखेंगे बुद्धा, ठीक है। तो बुद्धा के लिए ये जो है वीडियो अच्छी लगा होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।